ಮಾಡ್ಬೇಕು. रूल्स फॉर्म किए, फॉर्म होने के बाद कौन सा भी एक रूल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है. इसके सामने एजुकेशन लोन का वेव ऑफ करने का है, प्राइवेट स्कूल कॉलेज का एड देने का, और प्राइमरी लेवल में पानी कमरा एट्सेट्रा देने के लिए ये प्रोविज़न है. और उसकी वजह हमारा 370 उनके तरफ से एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली टाइपिस्ट बांधु जवान और टीचर प्रमोशन में इतना 370 के ऊपर ये है. मगर कौन सा भी गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, इसलिए हम एक महीने से सन्मान्य येडियुरप्पा साहब को मिलने के बाद ये करते बोल के बोले 15 दिन होने तक वह कुछ भी नहीं कर रहे. 6 तारीख को बेंगलुरु को जाके मेमोरेंडम देना बोले तो हमको यशवंतपुर रेलवे स्टेशन में अरेस्ट किए. ये अरेस्ट किया बोले तो ये हैदराबाद कर्नाटक के लिए 371 के लिए कौन मूवमेंट करते, वो लोगों को पकड़ के जेल में डालने का इसका हुक्म है क्या? एक तरफ क्या बोलते हम 371 जारी करते कल्याण कर्नाटक रखते बोल के, एक दिन वही दिन 7 तारीख को वहाँ पर अनाउंस किए, 6 तारीख वही दिन हम सब लोगों को पकड़े. ये इसका क्या है? इसलिए हम ये दिन हैदराबाद कर्नाटक का 6 डिस्ट्रिक्ट का सब लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, टीचर्स है, प्राइवेट स्कूल कॉलेज एजुकेशन लोन है, और हमारा टाइपिस्ट का अपॉइंटमेंट होगा जैसा है, सब लोग मिलके ये प्रोटेस्ट करके रैली से डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं. ये मेमोरेंडम क्या है बोले तो 371 के हिसाब से क्या इम्प्लीमेंटेशन करके रूल लागू करने का अब तक नहीं हो गया. वो 17 के अंदर कल्याण कर्नाटक अनाउंस किए, उसके अंदर हमको इम्प्लीमेंटेशन होना, कुछ तो कुछ करके हमको बात करके करना, मगर नहीं करे तो 17 तारीख को ये लोगों को हम घेराव करना बोल के है. क्योंकि CM का दो है, एक तरफ कल्याण कर्नाटक उत्सव मनाओ बोल के एक बोलते हैं, और एक दूसरा तरफ 371 के लिए हमारा बच्चों का, हमारा टीचर लोगों का, एजुकेशन लोन का, एम्प्लॉयमेंट लोगों का पूछे तो मार के जेल में डालते. ये दो हिसाब, ये ड्यूअल नेचर ऑफ द इसका हमारा CM का हम ये नहीं करते. हम भी हम मानते येडियुरप्पा साहब को मानते, क्यों भी उन भी मूवमेंट करते करते आए. ये चीफ मिनिस्टर होने वाले तो कितना मूवमेंट किए है, कितना कितना खराब काम किए. वो खराब का अच्छा काम करने के लिए तो एक मौका है, हैदराबाद कर्नाटक के लिए एक मौका है. 371 एज इट इज इम्प्लीमेंटेशन चालू करो. करने करे तो हमारा एरिया को और येडियुरप्पा का फोटो डाल के मानते, मगर नहीं तो क्या बोलते येडियुरप्पा कुछ तो करके एक बार जेल में गए और एक बार जेल में ही तैर के बोल के लोग समझते. इसलिए हम रिक्वेस्ट करते येडियुरप्पा साहब आप मेहरबानी करके ऐसा बात मत करिए. एक तरफ उत्सव करो और एक तरफ बंद करते अरेस्ट करते बोल के ऐसा मत करो. 17 के अंदर कुछ तो कुछ करके यहाँ पर आओ बोल के उनको बोलते. हमारा एरिया का ये कितना खराब है बोले तो बहुत फील होते. ये हमारा एक आदमी हैदराबाद कर्नाटक का नहीं है, वो कौन से के घर में MLA हार गया, वो हारे आदमी को डिप्टी CM करके इसका इंचार्ज करते हैं, इसका इंचार्ज. मगर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 6-7 MLA, अरे उनके MLA के ऊपर इसको विश्वास नहीं है, इसको नहीं है, नरेंद्र मोदी को नहीं है, और अमित शाह को तो वो तो दुनिया नहीं, दुनिया में हम ही एक बड़े आदमी बोल के वो समझ के फिर रहे. अरे 370 उनका हालत क्या है? इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते आप हमको मानते, आपको बहुत मेहरबानी करते. ये 371 का क्या करना का है, ये 17 के अंदर हमको देना बोल के हम रिक्वेस्ट करते.